हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सीमा जी के किचन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये देखिए अभी 9 बज चुका है और कैसा मौसम है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा ठंड है। और अभी हम खाना बना रहे हैं, तो ये देखिए ये है सब्जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और थोड़ा सपोर्ट किया करिए, मुझे भी आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह 6 बजे से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। और सुबह में देखिए कितना अंधेरा है, बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तक पास के ये पौधे भी अच्छे से पेड़ पौधे नहीं दिखाई दे रहे हैं, और हमारा फूल वूल भी नहीं दिखाई दे रहा है गार्डन का। इतना ज़्यादा अंधेरा है, बहुत सारा शीत गिर रहा है, ओस है। तो आप सभी के यहाँ कैसा मौसम हो रहा है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर बताइएगा। और ये सब मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा, फिर मैं नहाने चली गई थी झाड़ू पूछा करने के बाद। हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सीमा जी के किचन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये देखिए अभी बिस्तर को सही करना है और मैं नहा कर आ गई, बाल भीगे भीगे हैं इसलिए मैं थोड़ा सुखाना स्टार्ट करती हूँ। और आप लोग कैसे हो आप लोग ज़रूर बताना फ्रेंड्स, मिलते हैं। और ठंड आज बहुत ज़्यादा है, शीतलहरी बहुत ज़्यादा है, उसे गिर रहा है, आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज सुबह सुबह मॉर्निंग का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। और मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। तो अभी ठंड का मौसम है इसलिए बाल भी नहीं सूखते हैं अच्छे से, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ड्रायर से आज बाल को सुखा लेते हैं। और वैसे जब से ठंड शुरू हुआ है तब से हमारा ये ड्रायर निकल जाता है और बालों को सुखाने में काफ़ी आसानी होती है, इसलिए मैंने मंगा रखा है। और ठंड भी ज़्यादा नहीं लगती है अगर बाल सूख जाए तो, और भीगे भीगे रह जाते हैं ठंड के मौसम में, अगर ना सूखा हो तो पूरा दिन ऐसे भीगे रहते हैं और ठंड लगती रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे ही सुखा लेती हूँ और उसके बाद फिर काम करना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा बाल सूख चुके हैं, थोड़े थोड़े गीले हैं अभी, तो सूख जाएंगे। उसके बाद फिर हम पूजा करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले पूजा करेंगे, उसके बाद फिर चाय बनाना स्टार्ट करेंगे, चाय पीने के बाद फिर खाना बनाना चालू कर देंगे। तो आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर न्यू है चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ सभी फ्रेंड स्किप ना करें और सपोर्ट करिए फुल, जैसे आप लोगों ने सब्सक्राइब बढ़ाने में इतना सपोर्ट किया आप लोग, उसी तरह वॉच टाइम का भी बहुत कमी है, वॉच टाइम कंप्लीट कराइए, आप लोग के आप ही लोगों के हाथ में है फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ा भी स्किप ना करें, प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग। तो ये देखिए हमारा बाल तो सूख चुका है, अब चल रहे हैं पूजा करने। तो आप सभी लोग कहाँ कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट करना, ज़रूर बताना फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा वीडियो। और आप सभी के यहाँ कैसा मौसम है ये भी बताइएगा आप लोग, हमारे यहाँ का मौसम तो देखिए कितना ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो पूजा करने चलते हैं अब हम, अब पूजा करेंगे। तो पूजा करने के बाद फिर काफ़ी ठंड लग रही थी तो आ गए हम आग सेकने, चलिए चलते हैं। आग सेकने चलते हैं, पापा जलाए हैं आग। ये देखिए पापा को ज़्यादा ठंड लग रही है, ठंड का मौसम था, पापा बड़ी मज़े से आग जला कर सेक रहे हैं। तो अभी हम आग सेक लेते हैं क्योंकि ठंड है, हाथ पैर ठंड हो चुका है। और उसके तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप लोग कैसा मौसम हुआ है आज हमारे यहाँ, ठंड बहुत है, आग भी सेक लिए, अब चलते हैं खाना बनाने।
तो फ्रेंड्स आग सेक कर तो हम आ गए और ये चाय बना लेते हैं। सबसे पहले चाय पियेंगे ताकि और भी गर्म हो जाए, और चाय पीने के बाद फिर हम खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये दो भगोने में दूध था तो एक में कम दूध था, तो मैंने सोचा उसी में चाय बना लेती हूँ। बस अपने लिए ही बनाना था तो इसी में मैं चाय बना ली हूँ और चाय पीने चलेंगे। और दूध ब्रेड दे रहे हैं बच्चे को, और उसके बाद फिर हम चाय और ब्रेड खाना स्टार्ट करेंगे। वो नाश्ता हो जाएगा, उसके बाद बाकी सब्जी रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार और मैं आप सभी को याद दिला दे रही हूँ कि अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और म्यूजिक लगा दी हूँ ताकि आप सभी को बोरिंग ना हो, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप मेरा वीडियो। तो फ्रेंड्स मैं चाय पीकर आ गई हूँ। चाय पीने के बाद फिर आकर सब्ज़ी काटना स्टार्ट कर दी हूँ, और भुजिया सब्जी और पराठे और रोटी यही सब बनाने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो पे बने रहना। तो यहाँ बोलते हैं वाली और बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।